आज हम जानेंगे आईवी कैनुला के बारे में, टाइप्स ऑफ आईवी कैनुला, कैनुला की कलर कोडिंग, साइज, डायमीटर कितना होता है, फ्लो रेट क्या होती है, यूजेज क्या होते हैं, कैनुला के पार्ट्स के नाम क्या क्या होते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर तो सबसे पहले हम जानेंगे आईवी कैनुला का मतलब क्या होता है। आई का मतलब होता है इंट्रा, मतलब इन या अंदर। वी का मतलब होता है वेनस, वेनस रिलेटेड टू वेन, तो ये हुआ इंट्रा वेनस, और ऐसे भी बोल सकते हैं विद इन ए वेन। और कैनुला इज ए रिलेटेड टू कैनाल, कैनाल का मतलब होता है पाइप। आईवी कैनुला का मतलब तो आपको समझ आ ही गया। आईवी कैनुला 25 डिग्री से 30 डिग्री एंगल पर वेन में इंसर्ट किया जाता है, जैसे आईवी इंजेक्शन लगाते हैं उसी एंगल से। तो अब देखते हैं पर्पज ऑफ आईवी कैनुला। तो सबसे पहले आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आईवी इंजेक्शन ही लगाएंगे, ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए। अब कैनुला के गोद साइज और कलर को एक ऐसी ट्रिक से समझते हैं जो क्रम से आपको प्रत्येक कैनुला का कोड और कलर भूलने नहीं देगी। तो एक औरत अपने पति से बोलती है, ओ जी वाटर गर्म पियोगे, भरतार ये लो पियो। इस ट्रिक से हम कैसे समझेंगे मैं बताता हूँ। इन सभी शब्दों का फर्स्ट लेटर देखें और साथ ही कलर का फर्स्ट लेटर देखें, जैसे ओ से ऑरेंज 14 गोज, जी से ग्रे 16 गोज, वाटर का डब्ल्यू से वाइट 17 गोज, गर्म का जी से ग्रीन 18 गोज, पियोगे से पी का पिंक 20 गोज, भरतार से बी का ब्लू 22 गोज, येलो में वाई से येलो, वैसे भी येलो तो येलो ही हो गया, येलो 24 गोज, पीओ से पी का पर्पल या इसे वॉयलेट कलर भी कहते हैं 26 गोज। अब देखते हैं फर्स्ट कैनुला, जो सबसे बड़ा कैनुला है, ऑरेंज कैनुला। इसका गोज साइज होता है 14 गोज, एक्सटर्नल डायमीटर होता है 2.1 mm, लेंथ होती है 45 mm, फ्लोर है 240 ml पर मिनट। यूज इसका ट्रोमा एंड मेजर सर्जरी में, रैपिड फ्लूड रिप्लेसमेंट में, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, मतलब बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना हो तो इसका उपयोग करते हैं। ये बात आप ध्यान से समझना कि कैनुला का गोद साइज जितना कम होगा उसका एक्सटर्नल डायमीटर और फ्लोरेट उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब फ्लूड ट्रांसफर करने की कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे जैसे गोद साइज बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सटर्नल डायमीटर और फ्लोरेट कम होती जाएगी। सेकंड कैनुला है ग्रे कैनुला, ये डायग्राम है इसका। इसका गोद साइज होता है 16 गोज, एक्सटर्नल डायमीटर 1.8 mm, लेंथ 45 mm, फ्लोरेट 180 ml पर मिनट। इसका यूज देखें तो इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे ट्रोमा एंड मेजर सर्जरी में, बार बार फ्लूइड रिप्लेसमेंट में और बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने में करते हैं। नेक्स्ट कैनुला है वाइट कैनुला, ये डायग्राम देखिए वाइट कैनुला का। गोज साइज होता है 17 गोज, एक्सटर्नल डायमीटर होता है 1.7 mm, लेंथ 45 mm, फ्लोरेट 142 ml पर मिनट। यूज वही सेम यूज है ऑरेंज और ग्रे कैनुला के, यूज जो हैं वही इसके यूज हैं, ट्रोमा एंड मेजर सर्जरी में, रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट और रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट कैनुला है ग्रीन कैनुला, ये इसका डायग्राम है। इसका गोज साइज होता है 18 गोज, एक्सटर्नल डायमीटर होता है 1.3 mm, लेंथ होती है 45 mm, फ्लोरेट होती है 90 ml पर मिनट। यूज इसका ट्रोमा एंड मेजर सर्जरी में, रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट में, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। मोस्ट कॉमन यूज्ड कैनुला इन हॉस्पिटल फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन 18 गोज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला 18 नंबर ग्रीन कैनुला होता है। नेक्स्ट कैनुला है पिंक कैनुला, ये डायग्राम है पिंक कैनुला का। इसका गोज साइज होता है 20 गोज, एक्सटर्नल डायमीटर होता है 1.1 mm, लेंथ 32 mm, फ्लोरेट 60 ml पर मिनट होती है। अब इसका यूज देखें, आइडियल फॉर आईवी फ्लूइड, अगर किसी को आईवी फ्लूइड देना हो तो ये कैनुला सबसे बेस्ट माना जाता है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब आईवी इंजेक्शन देना हो तो। इसको यूनिवर्सल कैनुला भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन यूज्ड कैनुला इन हॉस्पिटल फॉर आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट 20 गोज होता है, मतलब सबसे ज़्यादा आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए पिंक कलर के कैनुला का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लू कैनुला, ये डायग्राम है ब्लू कैनुला का, देख लीजिए। इसका गोज साइज होता है 22 गोज,
एक्सटर्नल डायमीटर होता है 0.9 mm, लेंथ होती है 25 mm, फ्लो रेट होती है 36 ml/min। इसका यूज आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट में करते हैं, कॉमनली यूज्ड इन वोमेन, ज़्यादातर ये औरतों में लगाया जाता है, वैन पतली हो तो मैन में भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है येलो कैनूला, ये है इसका डायग्राम। इसका गोज साइज होता है 24 गोज, एक्सटर्नल डायमीटर होता है 0.7 mm, लेंथ होती है 19 mm, फ्लो रेट होता है 23 ml/min। यूज इसका इन्फेंट एंड टोडलर में करते हैं। इन्फेंट होता है जन्म के 29वें दिन से 1 साल तक का बच्चा, टोडलर होता है 1 साल से 3 साल तक का बच्चा। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, फ्लूड इन्फ्यूजन में काम में लेते हैं। लास्ट कैनूला है पर्पल कैनूला, इसको वायलेट कैनूला भी कहते हैं। इसका गोज साइज होता है 26 गोज, एक्सटर्नल डायमीटर होता है 0.5 mm, लेंथ होती है 19 mm, फ्लो रेट होता है 10 ml/min। इसका यूज न्यूनेंट में करते हैं, न्यूनेंट जन्म से 4 वीक का बच्चा होता है, रेयरली यूज करते हैं इसका, इसका यूज मतलब बहुत ही कम करते हैं। अब जानते हैं कैनूला के पार्ट्स के बारे में। ये जो सबसे पीछे लोग प्लग है, ये ब्लड को बाहर नहीं गिरने देता। इसके ऊपर जो फ्लैशबैक चैम्बर है, ये कैनूला वैन में इंसर्ट होते ही नीडल ग्रिप को थोड़ा पीछे करेंगे तो ब्लड दिखेगा इसमें। अगर वैन में इंसर्ट नहीं हुआ तो ब्लड फ्लैशबैक चैम्बर में नहीं दिखेगा। नीडल ग्रिप के साथ नीडल अटैच होती है। अब ये जो इंजेक्शन पोर्ट कैप है, इस कैप को हटाकर यहाँ आईवी इंजेक्शन पुश करते हैं। बुशिंग जो है ये कैथेटर के साथ में अटैच होता है। कैथेटर के नीचे नीडल लगी होती है जो वैन को पिक करने के काम में आती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।